खुद पे भरोसा हो तो इंसान जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पल आते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं होता या कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप ये कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो कभी भी आप महसूस नहीं करेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू माय चैनल इनविंसिबल पैशन टॉक शो। और आज आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे आपको हमेशा खुद पे भरोसा रहे, हाउ टू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज जस्ट कंटेजियस। कोई भी देखे तो आपसे कहे कि भाई वाह। पर उसके पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब आप कभी टीवी देख रहे होते हैं और टीवी के चैनल स्विच करने का मन करता है, तो उसके लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आपके पास रिमोट होता है ऑफकोर्स, या खुद चल के जाते हैं तो चैनल्स बदलते हैं। बात है आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ी तो कहीं जाइएगा नहीं, पर पहले मेरे सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिए। एक तो आपको टीवी का चैनल चेंज करना होता है तो आप रिमोट ढूंढते हैं, राइट? और अगर आप स्कूटर या गाड़ी कुछ भी चला रहे हैं तो किसी भी दिशा में आपको गाड़ी को ले जाना हो, फिर चाहे आप लैम्बो चला रहे हो, मर्क, फरारी और बीमर, व्हाटएवर कार यू आर ड्राइविंग, स्टीयरिंग व्हील ही काम आती है, आपको जिस भी दिशा में उस गाड़ी को ले जाना है। तो मुझे बताएं आप में किस चीज की कमी है। कोई व्यक्ति आपको कह देता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, नाटे हैं, काले हैं या गोरे हैं, या आप में इंग्लिश बोलने में आप हिचकिचाते हैं, या आप हकलाते हैं, किसी भी वजह से आप जैसे हैं, कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कहता है तो तुरंत आपका स्वभाव ऐसे हो जाता है, बदल जाता है। किसी ने आपको कह दिया आप न जी थोड़े से मोटे हो गए हो, तो आप तुरंत इतने केयरफुल हो जाते हैं कि वाकई में आज मोटी लग रही हूँ। और किसी ने कह दिया आपसे कि आपका चेहरा ऐसा है जैसे आप बीमार से लग रहे हो, आपका बीपी थोड़ा हाई वाई है क्या, आप कहते हो रियली लो है या हाई है, आप अचानक कहते हो हाँ ना आज सुबह से थोड़ी सी कमजोरी लग रही थी। आपका रिमोट किसके हाथ में है? टीवी का चैनल तो आप बैठे बैठे बदलते हैं, गाड़ी को जिस दिशा में ले जाना होता है आपको पता है, जीपीएस में एड्रेस डालते हैं, आपको पता है आपने अपना रिमोट किस किस के हाथ में थमा रखा है। जिस व्यक्ति ने आपको जो कहा आप तुरंत वैसे हो जाते हैं। ये है सबसे बड़ा कारण आप में कॉन्फिडेंस की कमी। आज अगर आप मेरे इस चैनल पे मेरे इस बात को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करें, बताएं आपने अपना रिमोट किसके हाथ में थमा रखा है, आपको खुद पर भरोसा क्यों नहीं है। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो डॉक्टर आपको देख के बताता है कि हाँ ये दवाई लेनी है और यही है प्रिस्क्रिप्शन, इतना ही डोसेज लेना है। आप कभी डॉक्टर से कहते हैं कि आपका बड़ा नाम है, बड़े मशहूर, आप एक काम करिए, आप मुझे एक डोसेज क्यों दे रहे, मैं पूरी पूरी बॉटल ही दवाई की पी जाऊं। आप आर्ग्यू नहीं करते क्योंकि आपको भरोसा होता है कि भाई आपने इतनी फीस दी है, इतना फेमस डॉक्टर है तो कुछ तो जानता होगा, तभी तो मशहूर है, इतने लोगों का इलाज करा। तो क्यों आपको यकीन नहीं है कि दुनिया का बेस्ट सर्जन, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर और हीलर, मैन्युफैक्चरिंग जिसके प्लांट से आप आए हैं, टेक्नोलॉजिकली सैवी, हाई टेक दुनिया को बनाने वाला, उसने आप में कोई कमी छोड़ी होगी? आप मार्केट से कुछ खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट निकल सकता है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया उसकी फैक्ट्री से आए हैं आप में कोई डिफेक्ट हो सकता है? वो ऐसी कोई चीज ऊपर वाला नहीं बनाता जिसमें डिफेक्ट हो, कुछ सोच समझ के उसने आपको जो दिया है पूरा सोच समझ के दिया है। पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं या हकलाते हैं, अगर आपकी नजर गई उन कमियों पे जो आपको दुनिया ने बताया है, तो आपके अंदर में आत्मग्लानि आ जाती है, खुद पर से भरोसा उठ जाता है। लोगों की बातों पर इतना भरोसा है, जिसने आपको बनाया उस पर भरोसा नहीं है कि कुछ सोच समझ के बनाया होगा। अब ढूंढे अपने अंदर आखिर ऐसा क्या गिफ्ट है। हर व्यक्ति में ईश्वर ने एक ऐसा गिफ्ट दिया है, सबके हैंडप्रिंट्स अलग होते हैं, हर व्यक्ति में एक ऐसा गिफ्ट होता है, सिर्फ आपको पता करना है आखिर वो क्या है गिफ्ट, और जुट जाए उसमें महारत हासिल करने में। दुनिया से अपना रिमोट लेके अपने पास रखें,
जिस दिन आपको खुद पर ये यकीन हो गया कि आप जैसे हैं, यू आर द बेस्ट, देयर इज नो वन लाइक यू, आपके जैसा दुनिया में कोई और ईश्वर ने बनाया ही नहीं। पर याद रखिएगा, फर्क है खुद पे फक्र होने में और अहंकार होने में। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट देन सेल्फ प्राइड। बनाया तो उसने है ना आपको, आप जो भी हैं जैसे हैं। जुड़ जाइए, गेट टू दैट पॉइंट कि आपकी जो खास बात है उसमें जुड़ जाएं, उस पे प्रैक्टिस करें। पर बनाया आपको ऊपर वाले ने, आपने देखा है वो पेड़ जो अकेला खड़ा होता है, तना हुआ अकड़ के, फल भी नहीं लगते, छाया नहीं दे सकता। और एक वो पेड़ होता है जो झुका हुआ है, छाया भी देता है और फल भी देता है। आप में जो हुनर है वो ढूंढें, अपना रिमोट अपने पास रखें, फिर देखें आप दुनिया में किस कामयाबी पर पहुंचते हैं। पर कभी अहंकार मत करिएगा, फक्र और फिकर, फक्र और अहंकार, इन सब में बहुत फर्क है। आप जितने हम्बल रहेंगे उतना ही पानी हमेशा नीचे की तरफ जाता है, प्यास भी बुझाता है। आप जितने हम्बल रहेंगे उतना लोगों को छाया भी दे पाएंगे और आपके फल भी रहेंगे, लदे रहेंगे आप। पहली चीज, अपना रिमोट अपने पास रखें। दूसरी चीज, जब आपको ये पता है कि आप में ऐसी आखिर क्या खास बात है, कोई डिफेक्ट नहीं है, अब ये एक्सरसाइज करें आप। दिस इज अ प्रो टिप। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सो। और अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई नजर आई तब सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज डोंट डू, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ईदर। मिरर में जाएं, बाथरूम के मिरर में, आप सुबह जब नहाते हैं, नहाने के बाद सिर्फ 5 मिनट, इतना कर सकते हैं आप अपने लिए। कमेंट में मुझे बताएं कि आपके पास खुद के लिए 5 मिनट हैं। आईने में देखें, और आज तक आपने को दुनिया में जिसने जो कुछ भी कहा कि आप ऐसे हैं या वैसे हैं, अपनी आंखों में डाल के देखें, अपनी आंखों में खुद को देखें और खुद से कहें, यू आर द बेस्ट, आई एम इनफ, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर द बेस्ट, देयर इज नो वन लाइक यू। और अगर ये कहते हुए आपके आंसू बहने लगे तो बहने दीजिए, इतने सालों से दुनिया का कहा हुआ आपने अंदर भर के रखा है, खुद पर से यकीन उठ गया है, तो आज खुद की पीठ खुद थपथपाएं और कहें, यस आई एम इनफ, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम बेस्ट। और जब ये बोले, खुद पर धीरे धीरे भरोसा होने लगेगा। 30 दिन तक लगातार ये करिए, मुझे कमेंट में बताएं कि आपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कितना फर्क पाया। दुनिया आपको कुछ भी कहे, आप पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, जैसे हैं, जो भी कमी है, यू आर वन ऑफ योर काइंड, आपके जैसा कोई और है ही नहीं। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उस ऊपर वाले ने अपनी फैक्ट्री से बना के आपके पास नहीं भेजा। हाँ, आप में जो कमी है आपको लगती है, आपने वो देखी, आपने वो कभी खुद के अंदर ढूंढा जो ईश्वर ने आपके अंदर स्ट्रेंथ भेजी है, वो है आपकी नाम और शोहरत की चाबी। जुट जाएं, प्रैक्टिस करें, उस पे काम करें, और जो आप काम करें और जब उस ऊंचाई की शिखर पर पहुंचे तो लोगों की मदद जरूर करें। अकेला व्यक्ति नाम कमा सकता है, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो जो शोहरत मिलती है, इट्स अ लेगेसी। कोशिश करें पूरी, जैसे सूरज है पूरी सृष्टि में, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी जगह हो, निकलता तो ईस्ट से है, राइट? सूरज तो एक ही दिशा से निकलता है। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी है और आपने ये मिरर एक्सरसाइज 30 दिन तक लगातार करा, किसी भी समय करें, जैसे सूरज है निकलता है, तो जब आप घर से निकलें, कोशिश करें अगर सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो सूरज की तरफ देखें, आंखों में आंखें डाल के, रोना आए, खुद के अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, लेट इट गो। कहते हैं ना, कचरे को डिब्बे में ज्यादा दिन रखेंगे तो स्मेल आएगी। लोगों की कही बातें जो आपके दिल को छुपती हैं, वो आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। जिन लोगों की बातें आपको छुपी, वो अपने अंदर मत रखें। हाँ, उससे आपने क्या सीखा वो याद रखें। सूरज को रोज अगर आप कुछ क्षण के लिए भी देखें, उसकी रोशनी अपने अंदर लें, तो वैसा ही तेज आप में आएगा। ये सोचें, जैसे सूरज में तेज है, वैसा मेरे अंदर ये तेज आएगा सूरज को देखने से। नम्रता रखें, ये बहुत जरूरी है। और सन को रिप्रेजेंट कौन करता है? आपके फादर, एल्डर पीपल, गुरु, टीचर्स, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको देखें, उनको प्रणाम करें, और जब झुकें और उनका आशीर्वाद लें, तो सिर्फ घुटने को ना छुएं, दिखाने के लिए मत करें, दिल से करें। उनके चरण छूने से आपका सूरज प्रबल होगा, और सूर्य का तो तेज होता है। नाम और शोहरत, हर व्यक्ति कहता है कि सूरज जैसी हो,
तो वो तो आपके घर में ही है, आपके एल्डर्स, आपके टीचर्स, आपके फादर, उनका आशीर्वाद लें, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, दिल से लें आप। और अब आपको जीवन में अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो याद रखें, जिस क्षेत्र में आज से 10 साल बाद आपको कहां पहुंचना है, मुझे कमेंट में बताएं, 10 साल बाद आप अपने आप को किस शिखर पे देखना चाहते हैं, वहां पे जाने के लिए आज आपकी कंपनी और आपकी दोस्ती कैसी है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। ये तो यही हुआ, आपको डॉक्टर बनना है और आप इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं और आप रोज कहते हैं 10 साल बाद मैं दुनिया का बेस्ट सर्जन हो जाऊंगा। कैसे हो सकता है? वही होगा कि 10 साल बाद आप चाहते हैं मैं ऐसे कामयाब हूं, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हैं आप, आपको बेस्ट बिजनेसमैन बनना है, सक्सेसफुल होना है, और आपकी कंपनी कहाँ है, आप कहाँ बैठे हैं। बदलें अपनी संगति, अपनी कंपनी, जैसी कंपनी वैसा आप पर असर पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना है जिस क्षेत्र में, उनके साथ अपनी कंपनी वैसी रखें, दोस्ती बढ़ाएं, उनसे सीखें, उन एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व करके सीखें, आपका सूरज ऑटोमेटिक प्रबल होगा। और एक चीज आपसे कहना चाहूंगी, हैव दैट सॉल्व सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ एंड अ बिग प्रो टिप, कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। आप पैदल चल रहे हैं, आप रास्ते में देखते हैं कि लोग दे आर ड्राइविंग लैम्बो, फरारी, बीमार, वट एवर इट इज, आपको उनकी गाड़ी काम नहीं आएगी। आप जहां पे हैं और जिस मंजिल पे जाना है, चाहे अगर वो आप पैदल भी जा रहे हैं, तो आपको अपने पैर काम आएंगे, दूसरों की गाड़ी काम नहीं आएगी। और जितना आप दूसरों से तुलना करेंगे, अपने अंदर आप में अगर कॉन्फिडेंस की कमी आ रही, तो खुद से पूछें, जब भूख लगेगी तो आपको अपना खाना ही आपका पेट भरेगा, दूसरों के का जो आप खाना देख रहे हो वो आपका पेट नहीं भरेगा। तो आपके पास जो है उसमें महारत हासिल करें, तुलना करना बंद करें। और क्या होता है कि अगर आप तुलना कर रहे हैं तो उतनी देर में तो वो व्यक्ति आपसे और आगे निकल गया। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कामयाब होना है, हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ, और जिस चीज में आपका मन रमता हो उसमें जुट जाए। शेयर करी मैंने आपसे बातों ही बातों में बहुत बड़ी एस्ट्रो एंड वास्तु टिप भी, अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखें कि उसमें कचरा तो नहीं है, क्लटर तो नहीं है, आपने ऐसी चीजें रख रखी हैं जो आपके काम की नहीं है, तो लोग भी आपको देखेंगे कि आप उनके काम के नहीं हैं। भर के रखा है तो लोग कहेंगे ये कुछ और सीख ही नहीं सकता, इसके अंदर तो इतना भरा हुआ है, ही इज फुल। वो कप जो भरा होता है उसमें आप और क्या डालें। ईस्ट जोन है आपके घर का, रिलेटेड आपके नेम और फेम से। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए तो सूरज जैसा बल चाहिए, तो अपना ईस्ट जोन क्लियर करें आप। और जो पढ़ते हैं, कभी ध्यान में बैठे आप, चाहे वो सिर्फ कुछ क्षण, मैं कभी नहीं कहती एक घंटा, क्योंकि मैं खुद नहीं बैठ सकती एक घंटा, 5 मिनट काफी होता है ध्यान में बैठने के लिए। जो आपको सवाल है उसका जवाब मिलेगा अंदर से, नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाएं। तो जल्दी से एक बात कहना चाहूंगी आपसे, खुद पे भरोसा। आज के बाद कभी आपको खुद पे डाउट हो तो प्लीज वॉच इट अगेन, यू विल नेवर रन आउट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं मार्केट से नहीं मिलेगा, आपके अंदर भरा पड़ा है। जब तक आप दूसरों को अपनी चाबी थमाएंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तो कहां से कॉन्फिडेंस आएगा। अपने पर भरोसा रखें, आप जैसे हैं आपके जैसा कोई नहीं है दुनिया में। आप जो सीखें दूसरों के साथ शेयर करें, लेकिन नम्रता रखें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस के लिए ये एक्सरसाइज करें जो मैंने आपके साथ ये टिप शेयर करी है। मुझे कमेंट में बताएं कि आपने अपने में क्या फर्क देखा। आई होप यू एंजॉयड एंड फाउंड वैल्यू इन दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर।